सो क्या पिए देखते हैं, तो कॉफ़ी पिए नेस्कैफे वाली या फिर क्या करें। आप बताओ हेल्दी ऑप्शन क्या है, ग्रीन कॉफी और नेस्कैफे की ब्राउन कॉफी, कौन सी कॉफी पीनी आज, ये या ये। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये थोड़ी सी कड़वी कड़वी रहती है यार। सुबह सुबह उठ कर मुँह कड़वा करने का मन नहीं करता, लेकिन चलो फिर भी करते हैं हम। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100-100 में रखा था आगा, चोर निकल के भागा, चोर की भी ऐसी थी जुड़ा करके बैठी थी, चाय गरम कॉफ़ी गरम पीने वाला बेशहर है मैं। यार यही आती है हर बार, पता नहीं क्या है। अभी इसी को बनाएंगे, वैसे ये भी हेल्दी रहती है। न्यू हर्ब्स की वीनो प्योरिटी ग्रीन कॉफ़ी, हैशटैग जमाना है हेल्दी का। ओके, इसके अंदर हनी बनाने का बोल रखा है, मैंने हनी ख़त्म कर दिया सारा, इसलिए मेरे को दिक्कत है। चलो पीते हैं कड़वा कड़वा। ये एक अच्छी फैट कटर भी है, सो बनाते हैं इसे की। सो गैस पे रख लिया हमने अपना बर्तन, गैस कर लिया ऑन। इसमें डालेंगे हम पानी, जितनी कॉफ़ी बनानी है उससे थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालना है। एक कप बनानी है मैंने, एक कप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाला है। अब इसमें डालेंगे हम अपनी ग्रीन कॉफ़ी, इसके अंदर ये स्कूप आया हुआ है प्रोटीन वे की, वे प्रोटीन होते ना जैसे सप्लीमेंट्स, उसके तरीके से डालेंगे हम एक स्कूप अपनी ग्रीन कॉफ़ी। इसे करेंगे, अरे यार क्या कड़वे कड़वे स्मेल आई पूरी। डाल दी हमने अपनी ग्रीन कॉफ़ी और अब तैयार करेंगे इसको। जब तक कॉफ़ी तैयार हो रही है, एक बार मैं एक गिलास इसका पी लेता हूँ, इस सब गोल का। एक्चुअली में ना ये ना फाइबर इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, तो आपके ना अगर मान लिया आप पानी वानी कम पी पा रहे हो, जिम वगैरह करते हो, तो ये काफ़ी हेल्दी प्रोडक्ट है और नेचुरल एक्चुअली में, तो आपका सब कुछ फिट हो जाता है अंदर से। एक्चुअली यहाँ पे तो स्पेशली लिख रखा है लीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, बाकी ये वैसे बिल्कुल नेचुरल है बिल्कुल, क्योंकि ये सिलियम हस्क का, तो ये अपना हस्क मस्त ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, नया लेके आना पड़ेगा। आज लेके आते हैं, अभी इससे काम चलाते हैं। कॉफ़ी जी अब तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी, तब तक हम पीते हैं अपना इस सब को, तो ऐसे ही डाल देते हैं ग्लास के अंदर। हो गया तो खाली, अच्छा ऐसा दिखता है ये, सवाल कर दबा के खोल लो। और एक ही बारे में से पी जाता, तब तक ये कॉफ़ी तैयार हो रही है हमारी। कॉफ़ी हमारी बनके ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, इसको कौन से मग में लें आज, एक ये वाला मग है, एक ये वाला मग है, ये एक ये वाला चार है, एक ये वाला मग, ये वाला और ये वाला। अकड़ पकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100-100 में रखा, ये पीना मेरे को इसमें मिलूंगा इसमें, बाकी को रखते हैं अंदर वापस से। कॉफी तैयार, ऐसा कर लिया हमने ऑफ, और इस पर छानी लगा दिया कप का, तो हम डालेंगे अपनी कॉफी। ये ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट बच, अपनी कॉफी लेके शायद यार थोड़ा सा भी बचा गया, एक मिनट चेक कर लेता। अरे पता, वैसे तो बचाने है, लेकिन ये बचा है थोड़ा सा, बिल्कुल छोटी सी बोतल है कि इसमें थोड़ा सा है, और बड़ी तो सारी खत्म हो गई, देखते हैं इसमें कुछ निकला जो। उसमें निकला यार, ऐसे ही कड़वा रहने वाला, ये तो ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने देखा बड़े वाला तो ख़त्म कर ही दिया था, छोटा पता नहीं क्यों रखा हुआ था। चलो चलते हैं, फैन ऑन। तो गाइस आज है संडे, मतलब कहीं नहीं जाना है, तो हर जगह जाना पड़ता है आज के दिन। एक्चुअली में मैं सोचता हूँ संडे फ्री होगा, रिलैक्स करेंगे, लेकिन कोई ना कोई काम या कहीं जाना वाना पड़ ही जाता है,
तो जल्दी बताता हूँ क्या करने वाले हैं। अभी दादी को खाना देते हैं, दादी खाना वाना खाएंगी, वो भी आज गांव जाने वाली हैं, कोई काम है उनको, तो चाचा आएंगे उन्हें लेने, वो जाएंगे उनके साथ, और हमें भी काम है, हम जाएंगे अपनी बुआ के पास खंडा खेड़ी, तो खंडा खेड़ी हम जाएंगे ऑलमोस्ट 10 बजे, उससे पहले, और अभी बज चुके हैं 8, जल्दी टाइम जा रहे हैं। तो अब जल्दी से पहले कॉफ़ी पीता हूँ, एडिटिंग करते हैं, थोड़ी सी न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि बिना कॉफ़ी का मज़ा नहीं आता यार न्यूज़ पढ़ने में। अब पढ़ेंगे न्यूज़, सो उसके बाद एडिटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बिना आने के ना मेरे को मज़ा नहीं आता, पहले ना 3-4 सिपना ऐसा ही होता है, हमेशा हर बार ऐसा होता है, बहुत कड़वी है यार। और इसे ना मैं 1 महीने से पीते आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ना ऐसा ही नहीं लगता कि यार रेगुलर पी रहा हूँ, फिर तो कम से कम ठीक लगे, इसका टेस्ट मुझे ठीक ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। इनको उठा देते हैं। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, 12 बजे से ठंड है। पेपर पढ़ लिया था, एडिटिंग हो चुकी है, ब्रश व्रश कर लिया, कॉफ़ी पी ली है, नेक्स्ट काम बस जो बचा है वो है नहाना। चलो जाके नहाते हैं और फिर कुछ खाना वाना खा के निकलते हैं। हाथ पे पता नहीं क्या लग गया। चलो नहाते हैं, उसके बाद खाना वाना खा के फिर निकलेंगे हम बुआ जी के घर पे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ ऐसे ही, और लाइक शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं आगे, सो आप कोई अपडेट मिस ना करें, सो सब्सक्राइब ज़रूर। आ चुका हूँ गाइस, अब ना नाश्ता करते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है, 9:30 बज गए, फिर 10 बजे निकलना भी है, क्योंकि 10 बजे दादी भी निकलेंगी गांव के साइड चाचा के साथ, सो उनको पहले नाश्ता देते हैं, फिर खुद नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं। सो मैं तो नहा चुका हूँ गाइस, लड्डू गोपाल जी को भी नहा दिया था, और अब उनको खाना खिलाते हैं, फिर दादी जी को भी, मतलब दोनों को साथ में खाना देते हैं, पहले लड्डू गोपाल जी को भी और फिर दादी को, और फिर खुद खाते हैं, फिर निकलते हैं, क्योंकि 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, और 10 बजे निकलना था, दादी को भी निकलना है और हमें भी निकलना है। सो जल्दी से खाना बहुत बन ही रहा है बस, उसके बाद मैं लड्डू जी को, गोपाल जी को खिलाते हैं, फिर दादी को देते हैं, चलते हैं। सो आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, इधर उधर घूमेंगे थोड़ा बहुत, आपको दिखाएंगे खाने में आज क्या बना है। लड्डू गोपाल जी के लिए तो रोटी बनती है और फ्रूट सलाद होता है उनके लिए, और वैसे चटनी बना रखी है उसके दादी के लिए, चटनी मिल गया आज। सो ये तैयार है लड्डू गोपाल जी का नाश्ता, बटर मलाई पराठा। ये बैठे हुए लड्डू गोपाल जी नहा धो के, लड्डू गोपाल जी नाश्ता, और यहाँ पे हमने लगा दिया अपना शिनचैन के फेवरेट कार्टून। इतने सालों के बाद यहाँ आया, लेकिन लगता है कि ये जगह बिल्कुल नहीं बदली है। अब खिलाते हैं लड्डू गोपाल जी को खाना। वो सही क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों? ये मलाई और दूध का मिक्स, और पराठा और अमूल बटर। इनको देखो कैसे बैठ के देख रहे हैं मगन होके, बिल्कुल मक्खन खाओ मक्खन। दादी जी को भी खाना दे दिया, अब दादी जी खा रही हैं, उसके बाद हम खाएंगे। ठीक बने दादी चटनी ना, दूसरा बोल रहा था, तो मुझे और था, एक दिन छोड़ के एक दिन आया करें। सो अब जाएंगे हम खंडा खेड़ी बुआ के पास, करते हैं नाश्ता। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10 बजने वाले, बस निकलेंगे 15-20 मिनट में। पापा का फ़ोन आ गया था घर से, एक बार वहाँ पे फ़ोन करते हैं, उसके बाद लोग अभी तक हमें निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये बीमार है। और इनको देखो, इन महाराज को देखो, छोटू महाराज को देखो कैसे लगे पड़े सिंचन, बीमार हो रखे हैं। और ये छोटू महाराज मस्त अपना सिंचन देख रहे हैं अभी। जाना था हिसार, मतलब खंडा खेड़ी, लेकिन अब जा रहे हैं पिल्लू खेड़ा,
इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो अभी जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है। बुआ घर जहाँ जाने वाले थे तो वो प्लान तो हो चुका है कैंसिल। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, नहीं तो जाते ज़रूर। अभी कल डॉक्टर के जाते हैं, अगर वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर बाद अगर ठीक हो जाते हैं, 11-12 बजे तक भी, 12 बजे तो 1 बजे तक भी ठीक हो जाते हैं तो फिर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होता है आराम तो फिर प्लान पोस्टपोन हो जाएगा, वो अब नेक्स्ट संडे पे जाएगा, फिर हम जाएंगे घर पे। इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में भी साथ में। कैसे मुंह ढक के बैठे, पूरा खोल लेना। धूल मिट्टी, चलो ठीक है, धूल मिट्टी बहुत होती है। ओहो, प्लान सारा चेंज हो गया। ये नज़ारे यार, जितनी बार भी जाता हूँ ना इस रोड पे, मज़ा इतना आता है ना, एकदम खूबसूरत नज़ारे हैं ये। पता नहीं रोड पे क्या अदब लोग करके क्यों काम कर रहे हैं। ये देखो, लेकिन इस तरफ देखो आप साइड में नज़ारे कितने औसम लग रहे हैं यार, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। खेत ना हमेशा ही प्यारे लगते हैं। ये रोड पता नहीं, पाइपलाइन का शायद कोई काम चल रहा है, इसके कारण यहाँ पे ये पाइप बिछी रहती है। एक्चुअली ना ट्रैफिक को भी वो करते हैं कई बार, तो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं बीच में। अरे जूम क्यों गया कैमरा, आइए वाली पहले तो और साइड में थी, अभी तो अच्छा और किनारे में करती, पहले बीचों बीच पड़ी थी ये। और ये रोड ना इतना बिजी रहता है, उसके बावजूद ये सिर्फ सिंगल लेन है एक तरीके से, आमने सामने दोनों, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, थोड़ा करना चाहिए सरकार को कुछ। सो ये है जींद का इकलौता DPS, और ये भी जींद से बाहर पड़ता है, जींद सिटी से एक्चुअली में। काफ़ी बड़ा स्कूल बनाया है, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है इस तरफ, ये वॉलीबॉल के पास, और स्विमिंग पूल भी है इसमें, तो काफ़ी अच्छा स्कूल है वैसे तो। खैर नाम ही है DPS, तो अपने पता चल जाता है, फैसिलिटीज़ लोडेड स्कूल है पूरा। ये देखिए यहाँ पे है घोड़े वगैरह, हॉर्सेस वगैरह, आपको बताया था ये रोड बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो ये रहा एग्जांपल, ये गाड़ी पहले तो एक्सीडेंट हुआ फिर जल गई, तो कहीं से ला के तो रखी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे, हमेशा थोड़ा सेफ चलाता हूं मैं यार, थोड़ा देखना चाहिए सरकार को। और ये रहा जींद पब्लिक स्कूल, हम पहुँच चुके हैं खेड़ी कहते हैं इस पॉइंट को एक्चुअली में। ये रोड सीधा जाता है ढाटरथ सरडे, अपना भाई रहता है अजय, भाई कम दोस्त कम चाचा, तो भयंकर हो रखे पता है। एक बार तो बारिश हो जाती है, उसके कारण ठंडा हो जाता है, फिर वापस से गर्मी होगी है, देखते हैं। वेट कर रहे थे तो पूरा बाल पसीने में भीग के, हेलमेट के अंदर यही होता है। पेड़ का नाम पता है किसी को, ये वाला पत्ते इस यहाँ देख लिए, वाले पत्ते अलग दिखेंगे थोड़े से। इस पेड़ को ना शहतूत बोल, जब बाला में थे ना स्कूल की छुट्टी होती थी ना, तो तोड़ तोड़ के लेके आते थे, तो उस टाइम पे ना हमारी नेवी ब्लू पैंट होती थी, ब्लू कलर की डार्क ब्लू, तो क्या करते थे ना शहतूत समझते हैं जो पक जाते हैं बिल्कुल पर्पल कलर के हो जाते हैं नेवी ब्लू टाइप ही, तो डाल लेते थे पैंट में, तो उसमें ज़्यादा दिखता नहीं था। लेकिन जब वाइट ड्रेस की बारी आती थी, और उसमें भी हम कई बार डाल लेते थे भूल से, और जब अंदर फूट जाते थे पूरी पैंट ब्लू, और घर जाते मम्मी से दे दनादन कुटाई। मज़ेदार दिन थे, लेकिन वो भी टेंशन कम होती थी, खेलो खाओ पियो ऐश करो, आप कमाओ लोगों की चिक चिक। पहले तो ये भी नहीं पता चलता था कोई कहीं पे लड़ाई हो रही है किसी के घर में, कलेश हो रहे चल रहे, तो हमें क्या मतलब, हमें खेलने से मतलब था। सो वो सब चेंज हो चुका है, अब सारा इफेक्ट करती है चीज़ें भी, सिचुएशन भी। बाकी सब ठीक चल रहा है, देखते हैं अभी कब तक बाहर आएगी, बाहर आएगी अब जल्दी से निकलते हैं घर की तरफ। तो आ चुकी है, पानी पी रही है, और हम निकलेंगे अब घर की तरफ। पक गया मैं बैठे बैठे, बोल गर्मी लग रही थी, हवा चल रही है, अब चलने लगी हवा, मेरे को दे देना अकेले अकेले पी लिया, खोल खोल। लड्डू गोपाल जी हम अपने कार्टन में बिजी हैं एक्चुअली, हम आ के लेट हो गए थे काफ़ी आते आते, और थक चुके थे बहुत ज़्यादा, रिस्की तबीयत डाउन थी, तो ब्लॉग एंड नहीं कर पाए थे, चलो एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, साइन ऑफ, जय हिंद। लड्डू गोपाल जी अपना देखो, हम सो रहे हैं।